भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आखिरकार भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई की तरफ से राहत मिल ही गई। पत्नी हसीन जहां के साथ चल रहे विवाद और शमी पर लगे फिक्सिंग के आरोपों पर बीसीसीआई ने फिलहाल मोहम्मद शमी को क्लीन चिट दे दी है और साथ ही साथ शमी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का फैसला भी किया है। आपको बता दें कि जिस दिन शमी और उनकी पत्नी के बीच का विवाद मीडिया के सामने आया, उसी दिन बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के ग्रेड और अनुबंध का रिन्यूअल किया था, जिसमें शमी का नाम नहीं था। हालांकि अब बीसीसीआई ने शमी को क्लीन चिट देते हुए एक प्रेस रिलीज जारी की और बताया कि प्रशासकों की समिति यानी सीओए ने दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट के चीफ नीरज कुमार को शमी के मामले की जांच सौंपी थी और अब उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया गया है कि बीसीसीआई एंटी करप्शन कोड के तहत शमी पर किसी जांच या सुनवाई को नहीं करेगी। इसके साथ ही बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी को ग्रेड बी का वार्षिक अनुबंध दिया है, जिसके तहत शमी को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। शमी को बीसीसीआई की ओर से मिली क्लीन चिट के बाद अब ये बात भी करीब करीब पक्की हो गई है कि शमी आईपीएल सीजन 11 में दिल्ली की तरफ से खेलते नजर आएंगे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।